इस्लामाबाद की खुली सड़कों पर रैली ने सफर पकड़ा तो कछुए की चाल देखकर कई सवालात पैदा हो गए। कम लोगों के बावजूद रैली की रफ्तार महज 2 किलोमीटर फी घंटा, आखिर क्यों? नवाज शरीफ नाइली का ठप्पा लगवाने के बाद कारकुनों के झुरमट में घर कब पहुँचेंगे, सवालात की भरमार हो गयी। जरा मुलाहिजा फरमाएं, यह है इस्लामाबाद की खाली और कुशादा सड़कें, जहां इस काफले को फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, मगर ये क्या, आप देख सकते हैं ये काफला रुका हुआ है, आखिर क्यों? ताखीर पर ताखीर, ताखीर पर ताखीर, तो जनाब ये गुमान होता है कि लोगों की कम तादाद की वजह से शो फ्लॉप हो गया है। इस ताखीर का अहवाल कुछ यूं है कि पहले एलामिया जारी हुआ कि नवाज शरीफ मरी से लाहौर का रूट पकड़ेंगे, मगर मौसूफ पंजाब हाउस आ गए। फिर ऐलान हुआ कि मोटरवे पे जलवा अफरोज होंगे, मगर ऐसा भी ना हुआ। जहलम और गुजरांवाला में कयाम की बाज़गश भी सुनाई दी, लेकिन छोटी सी रैली के सफर को दानिस्ता तौर पर तवील बना दिया गया, जिससे सब कुछ साफ वाज़ेह होता है। नवाज शरीफ ने आज पूरा दिन इस्लामाबाद में असद उमर के हलके में गुजारा और फिर खिताब के लिए शेख रशीद के हलके का इंतखाब किया। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है, नवाज शरीफ का असल इम्तिहान तो उस वक्त होगा जब वो अपने जीते हुए हलकों में पड़ाव डालेंगे, और यहाँ भी अगर शो फ्लॉप हुआ जैसा कि आज दिन भर में वाज़े तौर पर नजर आया, तो समझे कि नवाज शरीफ और उनकी जमात पर मुश्किलात के पहाड़ टूटने वाले हैं। और आज के इस फ्लॉप शो ने सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर हिमायत की मोहर सब कर दी है।